और इसमें मैं एक बाइक भी लेके आया था, वो दिखाता हूँ आपको। बाइक क्या है नाश्ते में? डोसा, मसाला डोसा ना। ये सब्जी हमारा रेडी हो गया है, देखने में तो इसमें नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, नवे ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 9 बज गया है और देखिए मैं कंपनी में नहावा के रेडी हो गया, सुबह का आया हूँ 5 बजे का। ये देखिए, देख सकते हैं, और ये देखिए वॉचमैन भाई भी आए हैं और अभी बोल रहे दरवाज़ा खोलें और बोल रहे गाड़ी लेने के लिए अंदर, तो आगे लेके रिवर्स लेता हूँ। रिवर्स ही लेना पड़ेगा ना जी। तो देखिए आगे से लेता हूँ, मोटरसाइकिल हटाना पड़ेगा वहाँ पे। देखिए ये कंपनी का नाम है लाइन ए इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है। जूना MADC ओल्ड MADC है, यहीं पे आया हूँ मैं। रात को ही आ गया था और रात को तो मैं आपको बताया था कि ये जो टायर है आगे वाला टायर यहाँ पे था, यहाँ से खोला और यहाँ से खोल के वो आगे लगाया और वो नीचे बैठ गया था, तो ये टायर आगे का था वो चलती में फट गया। फट गया तो पूरी दम नीचे धड़ी उसको बैठ गया। अब उसको उठाते उठाते बहुत टाइम गया, 3 घंटा उसको खोलने में लगा। इधर से डिमरा लगाता था, फिर इधर से जैक लगाता था, ऐसा करके उसको 3 घंटा गया। तब देखिए कंपनी में आ गए हैं, अभी गाड़ी अंदर लेते हैं, चलिए पहले गाड़ी लगाता हूँ। साइड बताइए। हाँ तो दोस्तों अभी गाड़ी लगा दी कंपनी में, अब चलता हूँ रसी तलपति खोलने, खाली होने के लिए। आदमी लोग भी आ गए हैं, तलपति खोलना पड़ेगा। इधर ऑफिस स्टाफ लोग भी आए नहीं हैं, एक आदमी आए हैं बस। ये देखिए तलपति खोल दिया हूँ और इसमें मैं एक बाइक भी लेके आया था, वो दिखाता हूँ आपको। बाइक ये देखिए, बाइक लेके आया था, किस तरह से रखे हैं, इसका भी ये लोग भाड़ा देंगे जोड़ के वजन में। चलते हैं यहाँ से हम नाश्ता करने, ये लोग खाली करेंगे। हमारे लोग आए हैं, एक जीप लोड कर रहे थे उधर, तो करके आते हैं। तो अब चलते हैं नाश्ता करने। लोडिंग पॉइंट पे तो लगा ही दिया हूँ, अब चलता हूँ नाश्ता करने, देखता हूँ कुछ मिलता है नाश्ते में, क्या मिलता है। थोड़ा लंबा है यहाँ से, जाना पड़ेगा। नाश्ते के लिए कितना चलना पड़ रहा है देखिए। नाश्ता पॉइंट पर आ गया हूँ, देखिए इधर ही है, आ गया नाश्ता पॉइंट पे। क्या है नाश्ते में? डोसा इडली। डोसा मसाला डोसा ना। हाँ लगाइए एक प्लेट, ये तो बहुत मस्त पका रहे हैं। नाश्ता करता हूँ, देखिए मसाला डोसा बोला मैंने नाश्ते के लिए। दोस्तों हमारा नाश्ता आ गया है, मसाला डोसा, ये देखिए कितना मस्त है, दो कलर की चटनी है। नाश्ता करता हूँ। आ गया मैं कंपनी में नाश्ता करके, देखता हूँ खाली कर रहे हैं क्या। अंदर लेके जा रहे हैं खाली करने के लिए, देखिए बहुत अंदर आदमी लोग खाली कर रहे हैं। टाइम हो गया 11:20, देखते हैं बाबू लोग कितना बजे तक खाली कर देते हैं। आज जैसे सोमवार है, यहाँ सोमवार को जूना MADC बंद रहता है, जिस तरह से बम्बई में संडे को बंद रहता है, शुक्रवार को पालघर में बंद रहता है और नागपुर में इतवार को बंद रहता है, तो यहाँ पे मंडे को बंद रहता है। तो दोस्तों मैंने नाश्ता तो करके आया और गाड़ी खाली करा रहा था, आधा गाड़ी खाली हुआ है और आधा बाकी है, तो उन लोगों को अभी खाली करते करते 3:30 बजेगा, तो मैं बोला थोड़ा गाड़ी में खाना वाना बना लेता हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम है। अब गाड़ी रनिंग में रहते तो थोड़ा कम टाइम बचता है,
लेकिन अभी ऐसे खाली हो रहा, देर देर शाम तक तो खाली करेंगे तो टाइम है। तो वही मैं पत्ता गोभी लेके आया था 10 रुपये का आधा, और 1.25 किलो टमाटर और बटाटा था 1/2 किलो। तो वही पत्ता गोभी का सब्जी और चावल बना रहा हूँ। ये देखिए तो चावल ये रख दिया हूँ थोड़ा बहुत, और ये पत्ता गोभी का सब्जी बना रहे हैं। सुबह ही हम लोग नहाए थे दोस्तों, ये देखिए कपड़ा वपड़ा सब धो धा के रखे थे, और यहाँ पे पानी था, ये देखिए नल, वहाँ टाकी है, वहीं पे नहा लिया और फर्स्ट क्लास का फ्रेश हो गया मस्त। अब कोई टेंशन नहीं, अब यही बना रहे और खाना खाएंगे। अभी चावल भी थोड़ा सा बाकी है, हो जाएगा तब तक ये सब्जी काटता हूँ। चावल हो गया है, ये देखिए बहुत भरभरा चावल हुआ है। अब इसको उतारते हैं और ये कढ़ाई रखते हैं। ये देखिए काट लिया हूँ, अब अदरक थोड़ा खूनेंगे और ये सब्जी काट के रख दिया हूँ, पहले धो के रखा था, अब उतार रहा हूँ मैं चावल। कढ़ाई गर्म हो गया है, तेल डालता हूँ। अब थोड़ा जीरा इसमें डालेंगे, ये देखिए थोड़ा 2-3 तेज पत्ता डाल देता हूँ, और ये है जीरा थोड़ा सा। अभी तो धूप बहुत ज़्यादा गिर रहा है, कल पानी गाड़ी में पूरा गर्म हो गया था। तो दोस्तों मैंने एक जार लिया हुआ है, देखिए बालाजी आया था, उसने पानी देने तो उसे ही ले लिया मैंने, 580 रुपये का दिया, 20 रुपये पानी, यानी 600 रुपये में, 600 रुपये में पूरा दे दिया, तो मैं ले लिया। चलो ये देखिए दोस्तों जीरा एकदम काला हो गया है। अभी देखिए थोड़ा प्याज डालेंगे, ये रखा हूँ। टमाटर आधा काट लिया हूँ, आधा इसमें काट के पेस्ट बना लिया हूँ। और ये देखिए प्याज मेरा भूज के एकदम लाल हो गया है। और इसमें हम सब्जी डालते हैं, धो के पहले लिया था। इतने हैं अब इसको फिर से भूजते हैं, जितना भूजेंगे इतना कम होता जाएगा और पानी छोड़ेगा। इसके छोड़ने का और उपाय है, पहले नमक डाल दीजिए, ये देखिए ये नमक पहले डाल देते हैं कि गलेगा, थोड़ा चटक मांगता है चावल, हमेशा ही चावल बनाते हैं। एक किलो लाया था नमक टाटा का, और उसमें भर के रख दिया हूँ इसमें, ये देखिए इसमें भर के रख दिया हूँ। 1 किलो तो मैं खा ही गया, अब फिर 1 किलो ला के रख दिया हूँ। अब देखिए इसमें मैं नमक डाल दिया हूँ, पानी सूख गया है, थोड़ा बहुत और सुखाना है, गरम है। सलाद काट लिया जाए, थोड़ा सलाद भी चाहिए, खाने में अच्छा लगता है। सलाद खाने से अच्छा रहता है, खाना पच जाता है, काकड़ी और पचाता है, किडनी को आराम मिलता है। काकड़ी, ब्रोकली, ये सब बहुत अच्छा है। अब इसमें थोड़ा हम नमक डाल देते हैं, ये देखिए ये सब भरभरा छीट देते हैं बस। अभी हमारा सलाद 1 नंबर का बन गया है, प्लेट नहीं है, टिफिन विफिन सब घर पर रख दिया हूँ। अब इसी में सलाद बन गया है, अब चलिए देखते हैं सब्जी का क्या हाल है। ये सब्जी हमारा रेडी हो गया है, देख रहे हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत सालन है, थोड़ा ये टमाटर डाला था, यहाँ पे थोड़ा खट्टा लगेगा, ये जो बीच में डाल के ढके थे ना वो खट्टा लगता है। ठीक है तब हम उतारते हैं इसको।
ठीक है। और ट्रांसपोर्ट वाला से माल का बात किया हूँ, बोला था कि खाली कर लो, खाली हो गए क्या? मैं बोला अभी खाली नहीं हो, थोड़ा बहुत बाकी है। तो बोलता है कि बताता हूँ, देखिए क्या बताता है। तब तो हम खाना वाना खा के रेडी हो जाते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ से निकलता है माल। ठीक है, यहाँ से आधा ट्रांसपोर्ट से भी भरते हैं तो सलिया वाले भी निकलता है। तो अभी उनको फ़ोन नहीं किया मैंने, क्योंकि पहले वो अभी खाली हो जाने के बाद फ़ोन करते तो ठीक रहता है, नहीं तो बाद में बोलते हैं कि जल्दी आओ, ये सब काम गड़बड़ हो जाता है। फिर अभी खाली भी नहीं हुआ है, नहीं भी अब मान लीजिए कि नहीं खाली हुआ तो भी तकलीफ़ हो जाता है। अरे भाई क्या हुआ, खाली नहीं हुआ, कब तक आयोगे, कहाँ पहुँचे, कहाँ, इसे परेशानी बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खाना हम निकालते हैं, बंद करो स्टॉप। ये देखिए थोड़ा सा पहले निकालेंगे, खाना कभी भी थोड़ा ही निकालने से अच्छा रहता है। ये देखिए चावल निकाल लिया हूँ, अब सब्जी निकालता हूँ। ये देखिए सब्जी क्या मस्त बना है। डुबाने में अच्छा लगेगा। ये जो बीच में यहाँ पर डाले थे टमाटर, देखिए ये जब थोड़ा सा डालेंगे ना ठंडा खट्टा लगेगा हल्का सा। गर्मी है, बहुत भयंकर गर्मी है। क्या स्वाद है। तो हो गया दोस्तों, अब देखते हैं चल के पीछे कितना खाली हुआ है। अभी तो आधा ही खाली हुआ है यार, आदमी लोग ढीले हो गए हैं। और उसमें भी पूरा गर्मी है, टेम्परेचर हाई लेवल में है कि नहीं? 3:10 हो रहा ना। तो दोस्तों देखिए अभी शाम को कितना बज रहा है, शाम को 6:30। ये देखिए गाड़ी खाली हो गया है, अभी माल नहीं मिला। ये देखिए हमारे लोग 100 रुपये टन से हमारे लिए, कितने रुपए टन से लिए? 150 रुपये। हाँ नहीं, 100 रुपये टन से लिए, 100 रुपये टन से लिए। देखिए अब चाय पानी सर बताइए कि अभी हमारे 2500 दिए, हम लोग को क्या बच रहा? डीजल 18,000 का लग गया, टोल 1500 रुपये का लग गया, इसमें एक टायर भी फूट गया। सब धंधा ही एक महीना में तो खत्म। हाथी रखे आप तो खर्चा, तो हाथी को पहले आपको है ना खिला, हाथी को या लोग पीपल का पत्ता खिलाता है, इनको खिलाइए गाड़ी को, है कि नहीं? देखिए सब स्टाफ लोग बैठे हुए हैं, एक इधर है, ये भी स्टाफ है अपना, कहाँ गए? मध्य प्रदेश के हैं। और आप? ये देखिए ऑपरेटर साहब आ गए साइकिल से, है वो भी। तो गाड़ी खाली हो गई है, अब हम गाड़ी यहाँ से निकालते हैं। दोस्तों कंपनी पीछे है और इधर शॉर्टकट रास्ता है, इसीलिए ये देखिए मेन यही रोड है, इधर ही चढ़ा रहा हूँ मैं। जूना MIDC से शॉर्टकट ये रोड बनाया है। अब सिटी में घूमने से अच्छा है कि बाहरी बार सनाक से निकल जाएंगे। इसके ऊपर जा रही मेन रोड पे, ये नागपुर बाईपास है, सिंखेड़ राजा वाला रोड है। दोस्तों शाम को 7:15 बजने वाला है, 6:47 हो रहा है। देखिए शाम सूरज डूब रहा है। अब मैं खाली करके निकल गया हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ पार्किंग में, उधर ही पार्किंग के बाजू में खड़ा रहूँगा और वहाँ से पता लगाऊंगा कि कहाँ पे माल मिल रहा, इधर जाना है।
माल मिल जाएगा तो कहीं चला जाएंगे, नहीं मिलेगा तो पार्किंग में रुक जाएंगे। ठीक है, फाइनल करता हूँ कहाँ से भरना है। ठीक है, रोड आ गया है, राइट मारेंगे तो देवल गाँव राजा रोड, देवल गाँव राजा रोड जाता है, राइट मार के लेफ्ट मारेंगे तो फिर जालना सिटी में जाएगा। तो दोस्तों जलना बाईपास नागपुर बाईपास में मैं खड़ा हूँ, ये देख सकते हैं। तो अभी हमारा प्लान ये बना है दोस्तों कि हमारा रात को जो टायर फूटा था आज रात में वो जो बनाया था, तो वो टायर हमको एक जोड़ी डालना पड़ेगा, और हमको टायर यहाँ पे मिलेगा नहीं, और आगे का टायर दोनों टकला हो गया है। तो मैंने पता लगा कि 37,000 रुपये जोड़ी है ज़्यादा एम आर एफ का, तो वही मैं चलता हूँ वहाँ पर कुछ पैसा दे के और आधा पैसा बाकी लगा के और एक जोड़ी टायर लेके आगे डाल दूंगा। तो हमको यहाँ से संभाजी नगर जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा दिन का चावल है ये देखिए, ये खा लेता हूँ अब फिर यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही है दिन का सब्जी चावल है, ये खा लेता हूँ, खाना खा के फिर यहाँ से निकलूँगा। ये देखिए बहुत सब्जी बचा है और चावल भी बचा है। मैं खाना कभी बनाता हूँ तो 2-3 आदमी का खाना बना ही देता हूँ दोस्तों। उस दिन चना बिरयानी बनाया था गुरुवार को दिन, तो 8-9 जन को खिलाया था। ठीक है दोस्तों, खाते हैं। अब एक तवा भी लेना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए, तवा एक दिन भूल गया इसलिए मैं रोटी बना ही नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों खाना तो हो गया है और टाइम हो गया 9:30, तो हम ब्लॉक से विदा लेते हैं, फिर हम नए ब्लॉक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।